The ministers were nominated from the elected member of legislative council, like we are having just now. जो elected members होते थे legislative council में, जो council के members होते थे, जिनको elect किया होता है public ने, वो ही nominate करते थे members को. They were responsible to the legislature, whereas the councillor were not answerable to the legislature. और वो उनको वो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, पर काउंसलर्स के साथ ऐसा नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्व मेंबर थे. द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज एक्सपेंडेड विद अबाउट 70% ऑफ द मेंबर्स बीइंग इलेक्टेड. और जब ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 लागू हुआ, केम इन टू फोर्स, तो जो मेंबर्स की नंबर था वो एक्सपेंड हो गया 70% तक. जितना था उससे 70% तक और बढ़ गया. The Act provided for class and communal electorate also. There were some provision for women to vote, but were limited in scope. तो अब वहाँ पे classes माने rich and poor के लिए, communities के लिए और women's के लिए भी अब थोड़ा reservation था. The governor had the veto authority over the council. और governor के पास veto authority थी, वो कभी भी कुछ भी कर सकते थे. एट द सेंट्रल गवर्नमेंट द गवर्नर जनरल वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लीडिंग गवर्नमेंट थी उसमें गवर्नर जनरल होते थे, जो हेड होते थे, उनको सारी अथॉरिटी थी. इट इंट्रोड्यूस दी बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई मीन्स दो हाउस वाली लेजिस्लेचर बनी. दो हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे हमारे यहाँ अभी भी है, स्टिल वी आर हैविंग. तो जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा गया था. जितने भी गवर्नमेंट्स अच्छी वाली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एग्जांपल्स हैं, सबको वहाँ पे फॉलो किया गया. तभी 18 मंथ्स लगे, नियर अबाउट 2 ईयर्स लगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में. द वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैड 6 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 3 वर टू बी इंडियंस. उसमें 6 मेंबर होते थे वाइस रॉय के काउंसिल में. 6 मेंबर्स में कम से कम 3 मेंबर्स इंडियन होना चाहिए, यानी 3 इंडियन और 3 ब्रिटिश. Even though elections were introduced, the franchise was partial in nature and not universal. तो भले ही वोटिंग हो रही थी मगर पार्शियलिटी चलती थी. Only certain people who had property of or had title or held office could vote. जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो रिच लोग होते थे, क्लास वाले लोग होते थे, उनको वोटिंग के लिए प्रिविलेज दिया जाता था. द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम. और इसी एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स का भी एक्ट लागू हुआ पहली बार.